हेलो दोस्तों, रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेखा, रेखाखंड और अलग अलग प्रकार के कोणों का अध्ययन किया और अब हम इन परिभाषाओं से और पदों से अच्छी तरह परिचित हैं। इस वीडियो में हम एक कदम और बढ़ाते हुए कोणों के युग्म यानी पेयर्स ऑफ एंगल्स पर चर्चा करेंगे। चलिए बताइए कि दी गई आकृति में कौन सी रेखा यानी लाइन है और कौन सी किरण यानी रे, उनके नाम बताइए। यहाँ पर ए सी रेखा है और बी डी किरण है। दोस्तों, क्या कोण ए बी डी, कोण सी बी डी आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स हैं? जी हाँ, हम इस आकृति को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित एक अभिगृहित यानी एक्सियम पर चर्चा करते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर इस आकृति में देखें तो यहाँ पर तीन कोण हैं। क्या आप उन तीनों कोणों के नाम बता सकते हैं? कोण MOP, कोण NOP और कोण MON, जहां पर कोण MOP और कोण NOP आसन्न कोण हैं। कोण MON का मान है 180 अंश, क्योंकि यहाँ पर MON एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। हम इस आकृति को देखकर आसानी से कह सकते हैं कि कोण MOP धन कोण NOP बराबर है कोण MON के। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कोण MOP धन कोण NOP बराबर 180 अंश। और जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। अब जिस कथन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह इस अभिगृहित के बिल्कुल विपरीत है। वह कथन कुछ ऐसा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है। इसे हम अभी पढ़े हुए अभिगृहित का विलोम यानी कॉन्वर्स कहते हैं। यदि हमें दिया गया है कि कोण MOP धन कोण NOP बराबर 180 अंश, तब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किरण OP रेखा MN पर खड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभिगृहित की ओर। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं यानी नॉन कॉमन साइड्स एक रेखा बनाती हैं। यानी अगर दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो वे भुजाएं जो इन कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं यानी कॉमन साइड्स नहीं हैं, वे एक रेखा बनाती हैं। दोस्तों, अभी अध्ययन किए दोनों अभिगृहितों को मिलाकर रैखिक युग्म अभिगृहित यानी लीनियर पेयर एक्सियम कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रमेय की ओर, जो दो रेखाओं से संबंधित है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। चलिए उसी आकृति में किरण ओपी को रेखा में बदल देते हैं। प्रमेय के अनुसार इस आकृति में हमें यह सिद्ध करना है कोण एमओपी बराबर है कोण क्यूओएन के और कोण NOP बराबर है कोण MOQ के। तो चलिए शुरू करते हैं। हम किरण OP को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा कह सकते हैं कि कोण MOP धन कोण NOP 180 अंश है? जी हाँ, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। उसी प्रकार ON को किरण लेकर क्या कह सकते हैं कि कोण NOP धन कोण NOQ बराबर 180 अंश? जी हाँ, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। अगर हम दोनों समीकरणों पर ध्यान दें तो यहाँ दाहिनी ओर बराबर है, इसलिए बाईं ओर भी बराबर होंगे। यानी कोण MOP धन कोण NOP बराबर कोण NOP धन कोण NOQ। और चूंकि यहाँ कोण NOP दोनों ओर सामान्य है तो उसे हम दोनों ओर से विलुप्त कर इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण MOP बराबर कोण NOQ। और इसी प्रकार हम कोण MOQ बराबर कोण NOP भी सिद्ध कर सकते हैं। किरण OQ को ध्यान में रखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि कोण MOQ धन कोण NOQ बराबर 180 अंश है, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। उसी प्रकार ON को किरण लेकर हम कह सकते हैं कि कोण NOP धन कोण NOQ बराबर 180 अंश है। अगर हम दोनों समीकरणों पर ध्यान दें तो यहाँ दाहिनी ओर बराबर है, इसलिए बाईं ओर भी बराबर होंगे। यानी कोण MOQ धन कोण NOQ बराबर कोण NOP धन कोण NOQ। और चूंकि यहाँ कोण NOQ दोनों ओर सामान्य है तो उसे हम दोनों ओर से विलुप्त कर इस प्रकार लिख सकते हैं,
कोण MOQ बराबर कोण NOP। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से बने शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने कोणों के युग्म यानी पेयर्स ऑफ एंगल्स इस विषय पर चर्चा की। अगले वीडियो में इसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।